Let's see now how we can run actual ARP poisoning attack. असली में ARP poisoning attack को हम किस तरीके से apply कर सकते हैं and redirect the flow of packet and make the flow through our devices. और ये इसके packets हैं उनको किस जो data flow होता है उसको किस तरीके से हम फ्लो करवा सकते हैं और वो फ्लो भी हम अपने डिवाइस से होते हुए करा सकते हैं. मींस हमारा जो क्लाइंट है वो और जो हमारा जो एक्चुअल जो एक्सेस पॉइंट है वो इन दोनों के बीच में से जो डेटा फ्लो हो रहा है उस डेटा को किस तरीके से अपने कंप्यूटर से अपने डिवाइस से फ्लो करवा सकते हैं वो आज हम देखेंगे. और हम यूज़ करने वाले एक टूल का जिसे हम कहते हैं ARP स्पूफ. एक्चुअली ARP स्पूफ जो है विच इज़ अ पार्ट ऑफ अ सूट कॉल्ड डी स्निफ करके एक पूरा स्वीट आता है. उस स्वीट का एक पार्ट है. एक्चुअली डी स्निफ इज अ टूल दैट कंटेन द नंबर ऑफ प्रोग्राम्स ओके दैट कैन बी लॉन्च मेन इन द मिडिल अटैक को लॉन्च करने के काम में आता है. और उसका एक छोटा सा पार्ट और आज हम सिर्फ बात करेंगे सिर्फ ARP स्पूफ के बारे में और हम देखेंगे किस तरीके से हम इसके जो अपना टारगेट जो है जो आपके एक्सेस पॉइंट से कनेक्टेड है उस टारगेट से जो वो टारगेट जो अपना डेटा एक्सेस पॉइंट से ले रहा है उसको किस तरीके से हम अपने कंप्यूटर से फ्लो करवा सकते हैं मेन इन द मिडिल अटैक कर सकते हैं. आपको यहाँ पर एक बात ध्यान में रखनी पड़ेगी कि मेन इन द मिडिल अटैक आप तभी कर सकते हैं जब आप उसी एक्सेस पॉइंट से कनेक्टेड हो जिस एक्सेस पॉइंट से आपका टारगेट कनेक्टेड है. मीन्स अदर लोकल एरिया नेटवर्क में अदर लैन में आप मेन इन द मिडिल अटैक अप्लाई नहीं कर सकते. आपको एक ही एक्सेस पॉइंट को यूज़ करना होगा. दूसरी बात अभी जो हम प्रैक्टिकल करने वाले हैं उसमें हमारा जो लेन कार्ड है वो हमारा जो वायरलेस लेन कार्ड है वो मॉनिटर मोड में नहीं मैनेज मोड में ओके क्योंकि हमें सिर्फ डेटा को कैप्चर करना है फ्लो कराना है अपने डिवाइसेस से. इतना क्लियर है ओके. सो आप यहाँ कमांड देख रहे हैं. आप देख सकते हैं सबसे पहले टेल द टारगेट क्लाइंट दैट आई एम अ राउटर. पहले क्लाइंट को बताना है कि मैं एक राउटर हूँ और राउटर को बताना दैट आई एम अ क्लाइंट ओके. और फिर जो भी सारे पैकेट्स हैं अनेबल IP जो हमारे पैकेट्स हैं उनको इतना अनेबल करना है कि वो हमारे डिवाइस से होते हुए उसके लिए कमांड देनी ओके. तो आपको करना सिर्फ इतना ही है कि आपको तीन कमांड देनी है और इन तीनों कमांड्स के थ्रू बहुत ईजी है एकदम ईजी कि सारा का सारा डेटा आपके कंप्यूटर से या आपके डिवाइस से होता हुआ फ्लो होगा. सो लेट्स सी कि किस तरीके से होगा किस तरीके से अप्लाई करेगा. चलिए देखिए ओके. तो सबसे पहले तो अपना आप काली लिनक्स ऑन कर लेंगे और यहाँ पर आप दो टर्मिनल ऑन करेंगे और आपने देखा था मैं कमांड किस तरीके से देना. सबसे पहले हमें क्लाइंट को बताना है ठीक है कि आप राउटर हैं. तो आप यहाँ पर देंगे टारगेट का IP एड्रेस ETS0 आपका जो नेटवर्क टाइप है इंटरफेस टाइप आपके टारगेट का IP एड्रेस. ये जो IP एड्रेस आप देख रहे हैं 192.168.153.139 ये मेरे विंडोज 10 का IP एड्रेस है जिसे मैं एज अ टारगेट ले रहा हूँ. और ये 192.168.153.2 जो है ये मेरा एक्सेस पॉइंट का IP एड्रेस है. एक्सेस पॉइंट डिफॉल्ट गेटवे जिस वाईफाई कनेक्शन के थ्रू हम सभी कनेक्टेड हैं उसका IP एड्रेस है ओके. तो मैं यहाँ पर अपने टारगेट को यूज़ कर रहा हूँ. मैं अपने क्लाइंट को अपने जो मेरा जो टारगेट क्लाइंट है उसे मैं ये बता रहा हूँ मैं राउटर हूँ. और ये वाली जो कमांड है यहाँ पर मैं जो मेरा एक्सेस पॉइंट है उसे मैं बता रहा हूँ कि मैं उसका क्लाइंट हूँ ओके. आप चाहें तो ARP-A कमांड देकर अपना मैक एड्रेस अभी चेक कर सकते हैं और बाद में हमारी दोनों कमांड चलाने के बाद आपको यहाँ पे ये जो मैक एड्रेस है चेंज मिलेगा डेफिनेटली. चेक कीजिएगा पहले अपना मैक एड्रेस बाद में हम इन कमांड्स को चलाने के बाद देखेंगे कि मैक एड्रेस आपको चेंज मिलता नहीं. तो सबसे पहली कमांड जो हमें रन करनी है देन दूसरी कमांड जो हमारे एक्सेस पॉइंट को बताएगी कि हम क्लाइंट है उसे रन करना है. और उसके बाद हमें एक कमांड चलानी है दैट अनेबल IP फॉरवर्ड टू अलाउ पैकेट्स टू फ्लो थ्रू अवर डिवाइसेस. और ये हमें क्यों चलानी है ताकि जो भी पैकेट हमारे कंप्यूटर पर ड्रॉप हो रहे हैं जो भी पैकेट इन टारगेट डिवाइसेस से हमारे डिवाइस पे ड्रॉप हो रहे हैं वो पैकेट्स ड्रॉप ना हो जाए. इसलिए बस आप समझ रहे हैं वो पैकेट ड्रॉप ना हो जाए इसलिए हमें वो पैकेट चलाने हैं ठीक है. तो जो भी पैकेट यहाँ से ड्रॉप हो रहे हैं हमारे कंप्यूटर पे वो ड्रॉप ना हो जाए वो मिस ना हो जाए इसलिए हमें कमांड चलाएं. तो हमें ये कमांड यहाँ पर देनी पड़ेगी. तो आप ये देख सकते हैं ECO 1
और /proc/sys/net/ip/4/ip/forward तो ये जो कमांड है ये कमांड हमें चलानी ताकि जो भी आईपी यहाँ से जो भी पैकेट यहाँ से फ्लो हो रहे हैं वो ड्रॉप ना हो जाए। ओके तो चलिए इस कमांड को भी रन करते हैं। तो यहाँ पर ये कमांड हमने टाइप कर दी और ये कमांड मैं बता चुका हूँ आपको हम सिर्फ इसलिए टाइप कर रहे हैं ताकि एक भी पैकेट हमारा ड्रॉप ना हो जाए, सारे के सारे पैकेट जो सर्वर और क्लाइंट के बीच में जो भी पैकेट फ्लो हो रहे हैं वो सारे के सारे हमारे डिवाइस पर आए, कहीं भी ड्रॉप ना हो। और इसी तरीके से अप्लाई करते हैं एआरपी पॉइजनिंग अटैक को विद द हेल्प ऑफ एआरपी स्पूफ जो कि एक टूल है डीस्निप के अंदर का जिसको हम यूज करेंगे। ओके तो आप यहाँ अब अपना मैक एड्रेस चेक कर सकते हैं, आप देख सकते हैं जो मैक एड्रेस आपको पहले दिखा रहा था वो अब यहाँ पर नहीं मिलेगा, वो आपको चेंज मिलेगा क्योंकि हमने अपना मैक एड्रेस बदल दिया था उन कमांड्स के थ्रू। और हम जो हमारा जो राउटर है उसे हम बता रहे थे कि हम क्लाइंट है, जो हमारा क्लाइंट है उसे हम बता रहे थे कि हम एक राउटर है। तो आप यहाँ देख लीजिए पहले जो हमारे मैक एड्रेस था वो आपको चेंज मिलेगा नेक्स्ट टाइम जब हमने एआरपी स्पूफ कमांड चलाई, आप चेक कर सकते हैं। तो हमने अपना मैक एड्रेस बदल दिया ताकि कंप्यूटर को लगे कि हम राउटर हैं और राउटर को लगे कि हम उसके क्लाइंट हैं। ओके तो यहाँ मैं हूँ अपनी काली मशीन में और यहाँ पे हम इसका मैक एड्रेस चेक करते हैं। यहाँ हमने दिया if config कमांड, तो आप यहाँ इसका मैक एड्रेस देख सकते हैं, ये वही मैक एड्रेस है जो आपको विंडोज़ की मशीन में शो कर रहा था। मीन्स विंडोज़ का जो मैक एड्रेस था उसको हमने काली की यानी हमारी अटैकिंग मशीन के मैक एड्रेस से चेंज कर दिया था और हम यही राउटर को बता रहे थे कि हम विंडोज़ 10 है ना कि हम काली मशीन है। मीन्स वी आर द क्लाइंट नॉट द टारगेट। आप देख सकते हैं यहाँ पर चेक कर सकते हैं यही वाला जो मैक एड्रेस है जो हमने अभी देखा था यहाँ पर, ये देखिए आप, तो ये जो विंडोज़ का जो मैक एड्रेस है इस मैक एड्रेस को हमने काली के मैक एड्रेस से बदल दिया था, चेंज कर दिया था। ये काम किया था हमारी दोनों कमांड्स में जिन कमांड्स को हमने आपके स्टार्टिंग में दिखाया हुआ। तो बहुत ईजी है, इट्स वेरी ईजी, आपको सिर्फ आपके जो एआरपी स्पूफ टूल है उसका यूज़ करना है। और आई होप आपको ये सारा कंसेप्ट जो है वो समझ में आया होगा, अगर नहीं आया है तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं आपको क्लियर कर दूंगा। नेक्स्ट वीडियो तक बाय बाय।